हेलो फ्रेंड्स, एक्सपेंशन से हमारी प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम है इन द एक्सपेंशन ऑफ 2x²-8x-4² फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट कॉफिशियंट ऑफ एक्स क्यूब, सेकेंड कॉफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड थर्ड इज कॉन्स्टेंट टर्म. तो फ्रेंड्स, इसमें जस्ट आपको कॉफिशियंट ऑफ दीज टर्म्स फाइंड आउट करने हैं फ्रॉम द गिवन एक्सपेंशन. तो हम सबसे पहले एक्सपेंशन को लेते हैं. गिवन 2x²-8 and x-4² तो फ्रेंड्स 2x²-8 और इसमें इसके लिए यूज करते हैं हम a²(a²+b²-2ab). तो फ्रेंड्स a²(x²)b²+4² (2)x(4). ओके फ्रेंड्स, नाउ 2x²-8 and x²+16-8x. नाउ ईच टर्म मल्टीप्लाई बाय द दिस एक्सप्रेशन. तो यानी 2x² (x²+16-8x) एंड देन आफ्टर नेगेटिव साइन, तो मींस नेगेटिव साइन एंड 8 और मल्टीप्लाई विद दिस गिवन एक्सप्रेशन x²+16-8x. नाउ 2x^4, 2x² एंड x² की टर्म स्क्वायर की टर्म पावर एड हो जाएंगे, यानी x^4+32x² and 2 8 = 16x³. नाउ -8x² and 16 = 128 and -+8 = 64x. ओके फ्रेंड्स, नाउ इक्वेटिंग द लाइक टर्म्स मींस 2x^4 एंड देन आफ्टर क्यूब, क्यूब टर्म ओनली सिंगल, देन इट इज राइट जस्ट सेम. नाउ दिस इज स्क्वायर टर्म एंड दिस इज स्क्वायर टर्म, तो यू कैन सॉल्व इट. इट गिव्स 24x² एंड देन आफ्टर +64x and -128. ओके फ्रेंड्स, नाउ दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दिस गिवन एक्सप्रेशन. नाउ कंपेयर द लाइक टर्म्स. तो फ्रेंड्स, सबसे पहले फर्स्ट की बात करते हैं. फर्स्ट में है आपका कॉफिशियंट ऑफ x³. तो x³ अगर आप देखते हैं तो x³ है दिस, तो आप लिख सकते हैं -16. नाउ सेकंड की अगर हम बात करते हैं तो वो है आपका कॉफिशियंट ऑफ x². तो x² की टर्म आपकी क्या है 24, तो मींस दैट इज 24. नाउ थर्ड इज कॉन्स्टेंट टर्म, तो कॉन्स्टेंट टर्म यू नो दैट कि जिसमें कोई भी वेरिएबल नहीं होता है, जस्ट दिस, तो दैट इज -128. ओके फ्रेंड्स, आई होप दिस प्रॉब्लम इज अंडरस्टैंड. सिंपली हमने क्या किया, गिवन एक्सप्रेशन को सिंपलेस्ट फॉर्म में सॉल्व कर एक्सप्लेन कर लिया. एक्सप्लेन करने के बाद हमने लाइक टर्म से कंपेयर किया. लाइक टर्म्स मतलब जो हमारी ये वेरिएबल की टर्म्स में है, जैसे फॉर एग्जाम्पल x³ है तो x³ के साथ, यानी x³ और ये x³ के लिए इसकी टर्म ये है. x² के लिए कोई नहीं क्योंकि ये हमें आस्किंग भी नहीं है, पूछा भी नहीं है. नाउ x² के लिए x² दैट इज 24, ये हो गया. और थर्ड आपकी कॉन्स्टेंट टर्म. ओके फ्रेंड्स, थैंक यू.